हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले ईसेस्ट टेन बुल्गेरिया का आज का जो थर्ड मैच और मैच नंबर 8 होगा जो खेले जाने वाला है पीएलई वर्सेस एसएफएस के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज दोपहर 3 बजे मैच शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वेन्यू देखें, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बैटर्स को हेल्प मिलने वाली है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 110-130 के बीच में बनने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देखें तो टोटल अब तक 5 मैच कम्प्लीट हुए ना, 4 मैच जीते बट टीम ने 1 मैच में चेज हुआ है। यानी यहाँ पर जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी ना उसे हमेशा ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बात कर ले सबसे पहले पीएलई की टीम की, तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है। और टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ही आपका अपडेट्स फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दो जन कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे कमेंट पे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे वहाँ जो नो सब आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर ले पीएलई की टीम की, 3 मैच के लिए ना टीम तीनों मैच ये हार के आ रही है। लास्ट मैच हमने की थी अमल थॉमस ने और यहाँ से एलन जॉन्स ने। अमल थॉमस की बात करें, एक विकेट 17 0 विकेट 17 यहाँ पर 0 विकेट हैं। बॉलिंग यहाँ पर तीनों मैचों में कीपर विकेट 1 ही निकाला है बट बैटिंग अच्छी कर लेता है, बेस्ट ऑप्शन है। एनएल जॉन्स यहाँ से देख सकते हो 0 विकेट 0 विकेट 17 0 विकेट है। टी10 के 7 मैच में 39 रन 7 का एवरेज है। यहाँ पर आपको ना ये बैटिंग बॉलिंग दोनों देने वाला है। जसीम रहीम 30 रन 14 0 विकेट 4 0 विकेट है। यहाँ पर लास्ट दोनों मैचों में बॉलिंग मिली इन्हें विकेट नहीं मिले बट बैटिंग अच्छी करता है बंदा। गुलाम सरवर की बात कर लें 0 11 7 रन। यहाँ से तफजील थाज की बात कर लें 10 0 विकेट 2 रन 3 रन है। पहले मैच में 2 ओवर डाले विकेट यहाँ पर नहीं मिले पर लास्ट के दोनों मैचों में तो बॉलिंग ही नहीं मिली। आनंद कृष्णा 9 नॉट आउट 1 विकेट 4 नॉट आउट 1 विकेट 1 रन 0 विकेट है, पहले 2 मैचों में विकेट निकाला है। एलविन थॉमस 9 बैटिंग 1 नॉट आउट 0 विकेट। गियाजुद्दीन 7 0 9 बैटिंग है। यज पोर्गन की बात कर लें 9 बैटिंग 2 और 9 बैटिंग है। माइकल उद्दीन 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट है, लास्ट के मैच में 2 ओवर डाले और 1 विकेट निकाला है। जॉय पॉल 9 बैटिंग रहे। बात कर ला बेंच की, बेंच में जो भी खेलता है जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग और स्टार्टिंग के ओर डालने जाएंगे यहाँ से जे रहमान, यहाँ से एम उद्दीन ए कृष्णा। डेथ के ओर डालेंगे यहाँ से एलन जॉन्स, एलविन थॉमस और यहाँ से एमल जॉन्स थॉमस। जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके एलिमिनेट रहने वाले हैं। बात करें दूसरी टीम एस एफ एस की, लास्ट मैच के लिए तीनों टीम विन करके आ रही है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये टीम ना काफ़ी अच्छी है और अच्छे पॉइंट आपको देके जाएगी। बात कर ले माइकल जॉन्स की तो देख सकते हो 115 नॉट आउट की अच्छी पारी के लिए थी, यानी टीम को वन साइडेड इन्होंने विन करवाया था, बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। 2024 में टी10 के 4 मैच में 111 रन 55 का एवरेज 1 विकेट है। प्रकाश मिश्रा 7 नॉट आउट 1 विकेट है। 2024 में टी10 के 5 मैच में 31 रन 0 विकेट है। यहाँ से आते हैं एंड्रियन डनवर की बात कर लें, लास्ट मैच में कमाल की पारी खेली थी, 34 नॉट आउट आपको अच्छे रन बनाए। 2024 में टी10 के 4 मैच में 16 रन 8 का एवरेज है। जैक वेटमॉप की बात कर लें 2 ओवर डाले 1 विकेट निकाला है। प्रदीप कुमार 9 बैटिंग रहे, ओवरऑल 6 मैच में 34 रन 4 विकेट 10 ओवर डाल के। सूरज नेगी 9 बैटिंग है, 2023 में 4 मैच के लिए 2 रन बनाए। प्रतीक त्रिपाठी 9 बैटिंग। रोहित धीमन 2 ओवर डाल के ना 1 विकेट इन्होंने निकाला है। 2023 में टी10 के 12 मैच में 4 विकेट हैं। गगनदीप सिंह 1 ओवर डाला विकेट नहीं मिला। 2024 में टी10 के 5 मैच में 4 विकेट हैं। साहिल कुमार 1 ओवर डाला विकेट यहाँ पर 1 ही निकाला है, टी10 के 4 मैच में 0 विकेट हैं। रमन कुमार 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला। बात कर ले बेंच की, बेंच में जैसे यहाँ से ना बख्तियार ताहिर बेस्ट ऑप्शन अगर खेलता है तो टीम में जरूर मौका दूंगा। बाकी बेंच में से जो भी के लिए जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग और स्टार्टिंग के ओर डालने जाएंगे यहाँ से आर धीमन, जी सिंह, यहाँ से देख सकते जय वेटलॉक। डेथ के ओर डालने जाएंगे यहाँ से जय वेटलॉक, यहाँ से पी मिश्रा, रमन कुमार। जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके एलिमिनेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट। चलते अपने डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो ना तो वीडियो को कर देना है लाइक और प्यारा सा कमेंट आपको जरूर से कर देना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम चलते अपने डेमो टीम की तरफ। तो यहाँ पर डेमो टीम देख लेते हैं। डेमो टीम में अपने विकेट विशेषण से कह रहे हैं जे रहीम को, यहाँ से है डनवर को, यहाँ से बैटिंग सेशन एजोस
जे वेटलॉक को यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से, एम जॉन से पी मिश्रा है थॉमस को, बॉलिंग सेक्शन से आर धीमन ए कृष्णा, एस कुमार एम उद्दीन को कैप्टन करूँगा, एम जॉन्स वाइस कैप्टन करूँगा ए थॉमस को। यहाँ पर बटना ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊँगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो ना तो वीडियो को आपको कर देना है लाइक और प्यारा सा कमेंट, और ऐसे सपोर्ट आपको हमारे चैनल बनाए रखना है। धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।